Hi, guys. Namaste, thank you. And let's start with the practice. Last time we said, हमने वो शांताकारम भुजगशयनम पर ध्यान किया था, विष्णु जी का ध्यान किया था. फिर से एक बार उसको रिपीट करते हैं. वो श्लोक सभी को मालूम है, वी नो ऑल दैट श्लोका. तो अपने को उसमें से जो मकार है, जो उसमें का भ्रामरी है, जो ओमकार है, उसका हम फायदा ले सकते हैं, right? और साथ ही में विष्णु जी का हम ध्यान भी कर सकते हैं. तो एक श्लोक में इतने सारे ओमकार, ऐसा कोई श्लोक नहीं है, right? ये दिस इज अ वेरी यूनिक श्लोका. एंड चलो इसका हम फायदा लेते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं. चलो मैं आधा आधा पंक्ति बोलता हूँ, फिर हम लोग सब उसका हम साथ में करेंगे. चलिए सीधे बैठ जाइए, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, आंखें बंद कर लीजिए और विष्णु जी का ध्यान कीजिए. हृदय में विष्णु जी, विष्णु जी माँ, ब्रह्मा विष्णु महेश. तो ब्रह्मा जी वा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु जी वा इसका मेंटेनेंस कर रहे, इसको चला रहे हैं, और शिव जी का काम है दूसरी रिक्रिएशन, एक का विनाश करना और दूसरी का फिर से ताकि उसका आगे. चलिए सुबह इसका अनुभव करते हैं. शांताकारम, कहिए आप लोग, शांताकारम. मकार को बढ़ाइए जितना बढ़ा सकते. भुजगशयनम, पद्मनाभम. मकार के ऊपर अपना फोकस, ध्यान. सुरेशम, विश्वाधारम. मकार के स्पंदनों का मस्तिष्क में, मकार के वाइब्रेशंस जो है हमारे मस्तिष्क में, हेड रीजन में, हमको वह अनुभव कर सकते हैं हम लोग. विश्वाधारम, गगन सदृशम, मेघवर्णम, शुभांगम, लक्ष्मीकांतम, कमलनयनम, योगिविरध्यानगम, वंदे विष्णु भवभयहरम, सर्वलोकैकनाथम, हरिः ओम. कुछ पलों के लिए शांत बैठेंगे, इस स्पंदनों को अपने शरीर में उसके कंपन हम अनुभव करें. Let's all feel the vibrations of this shloka, of this mantra in our body for a few moments, for a few seconds. Vishnu ji ko pranam karte hain aur aage chalte hain.